हेलो एंड वेलकम टू टेक ऑफ इंडिया, माई सेल्फ अनुज गर्ग। और आज 15 मार्च 2018 की द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बहुत अहम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस और वामपंथ के बीच में जो CPIM है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, क्या इनके बीच में गठबंधन हो जाना चाहिए जिस प्रकार से अभी चीजें चल रही हैं। आखिरकार मुंबई मार्च में क्या बात की गई थी किसानों के द्वारा जब 30,000 किसान लगभग 5-6 दिन की यात्रा में नासिक से मुंबई तक चले गए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फार शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल भारत और जापान के संबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारत और जापान किस प्रकार से साउथ एशिया की या पूरे एशिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। पिछले कुछ एडिटोरियल एनालिसिस में मैंने आपको बताया है कि चाइना का लगातार साउथ एशिया में और पूरे एशिया में और जो साउथ चाइना सी है उसमें अपना प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के नाम से चाइना अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को करता चला जा रहा है। इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगले कुछ सालों तक भारत और जापान, जो एशिया की बहुत बड़ी दो पावर्स हैं, वो किस प्रकार से आगे बायलेटरल रिलेशंस के द्वारा, द्विपक्षीय संबंधों के द्वारा चाइना को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करती है। फार शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जितना भारत और जापान के बीच में अभी जो ट्रेड वॉल्यूम में होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कॉस्मोलॉजीज वर्स्ट गैम्बलर स्टीवन हॉकिंस, जिनकी कल 14 मार्च 2018 को मृत्यु हुई, जिनका जन्म 1942 में हुआ था, जिन्होंने एक इतनी शानदार पुस्तक कॉस्मोलॉजी के ऊपर लिखी थी जिससे कॉस्मोलॉजी आम जन को भी मतलब समझ में आ पाई, एक्सेसिबल हो पाई, एक थॉट प्रोसेस विकसित हो पाया। तो उन महान वैज्ञानिक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टीज लाइफ में फेस करी। एक बात तो तय, जितने भी महान आदमियों के बारे में आप चर्चा करोगे, जितने भी जो महान कायदे के लोग रहे हैं उनके बारे में आप चर्चा करोगे, जब भी उनके बारे में पढ़ोगे, कोई भी चीज, भले वो कोई भी चीज क्यों ना रही हो, भले वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो या भले वो और कोई चीज हो, कभी भी इनके मस्तिष्क में जो उन्होंने सोच रखा था प्राप्त करने के लिए, कभी भी उसको वो डिसमेंटल नहीं कर पाई। ये चुनौतियों के सामने जितने भी महान पुरुष रहे, डट के खड़े रहे और डट के सामना करके अपने जीवन में संकल्पबद्ध रह के कितनी ख्याति और कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर पाए। तो ऐसे लोगों से हमको जीवन में बड़ा सीखने को मिलता है और हमको ऐसे ही सीखते रहना चाहिए कि कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, चट्टान की तरह हम खड़े हुए हैं, टस से मस नहीं होंगे जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, किस प्रकार हम कर सकते। तो आज के हम पहले एडिटोरियल पे आते हैं। और एक और जो आपका एडिटोरियल है वो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से संबंधित है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से संबंध नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो भारत ने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जो भारत का कंट्रीब्यूशन रहा था, लेखक उसको 1971 का जो भारत का कंट्रीब्यूशन रहा उसको कंट्रीब्यूशन ना कहते हुए भारत का हस्तक्षेप बता रहे हैं। लेखक ऐसा बोल रहे हैं कि बड़ा एक्टिवली भारत ने अपने सामरिक हितों की पूर्ति करने के लिए, बड़ा एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस या स्ट्रेटेजिक जो चीजें थी उनको पूर्ण करने के लिए भारत इसमें बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेटेजिक चीजों को अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए। देखिए, कुछ एक्सटेंड तक ये कहा भी जा सकता है, लेकिन भारत में इस प्रकार के सिचुएशन का निर्माण हो रहा था कि भारत को तो इंटरवीन करना ही था। लगभग 1 करोड़ के आसपास जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, मतलब जो बांग्लादेश के लोग थे, मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा जब इस एडिटोरियल पे आएंगे कि किस प्रकार 1905 से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल हुआ, फिर वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ, फिर वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बना और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना 1971 में। तो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इंडिया, ऐसी बात लेखक करते हैं। 1971 में चूंकि बांग्लादेश में जब सिविल वॉर चला पाकिस्तान में, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में, तो फिर वो जब 1 करोड़ के आसपास लोग बांग्लादेश के प्रेजेंट डे उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के जब आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तब हमको इंटरवीन करना ही था, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। और ये एक स्ट्रेटेजिक महत्व की चीज भी, कुछ कंसेप्ट तक कहना कोई बुरी बात नहीं होगी। क्लियर है? तो आज हम अपनी डिबेट को, हम अपने डिस्कशन को द हिंदू में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का टॉपिक, हिस्ट्री आ चुकी तो लंबा तो होगा ही चाहिए ना, आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना वैसे ही बहुत पसंद है। एक आप देखेंगे, द लेफ्ट डजंट नीड द कांग्रेस,
मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं आपको इस एडिटोरियल को पूरा संक्षेप में बता देता हूं, द लेफ्ट डजंट नीड द कांग्रेस, पूरा संक्षेप में बता देता हूं, एग्जाम के परस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए आपको कि इंडियन पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। अभी आपको पता होगा कल ही 14 मार्च 2018 को ही यूपी में जो बायपोल चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, उसमें बीजेपी की जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक तो गोरखपुर और एक फुलपुर, तो उनमें दोनों सीएम और डिप्टी सीएम की जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनमें वो हार चुकी बीजेपी। तो ये क्या हुआ था, भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का एक एलाय हमको देखने को मिला था। तो ये बड़ी एलआई की बात चल रही है, गठबंधन की बात चल रही है पिछले कुछ समय से। इसको समझा देता हूं वंस एंड फॉर ऑल, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। ये एक सेपरेट एडिटोरियल है और ये द लेफ्ट डजंट नीड द कांग्रेस, ये एक सेपरेट एडिटोरियल है। इस पूरे एडिटोरियल में क्या बताया गया है, इस पूरे एडिटोरियल में यह बताया गया है, देखिए त्रिपुरा इलेक्शन से जब से हुए, हालांकि नेशनल डिबेट का मुद्दा त्रिपुरा इलेक्शन आज तक उतने एक्सटेंट पे नहीं रहे जितने इस एक्सटेंट पे इस बार रहे हैं, क्योंकि लगभग 25 साल से सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसी से महाराष्ट्र की अभी जो आप किसान आंदोलन है वो एसोसिएटेड देख सकते हो, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से ही निकली है ऑल इंडिया किसान सभा। तो आप देखते होगे, आपने देखा होगा कि 30,000 किसान जब 30,000 से 35,000 किसान जब 30,000 से 35,000 किसान जब नासिक से मुंबई जा रहे थे तो उनके हाथ में लाल ध्वज था, जो कि कम्युनिज्म का, जो कि साम्यवाद का, या जो कि लेफ्टिस्ट विचारधारा का। अब देखो लेफ्टिस्ट में भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो हो सकता है एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब चरम वामपंथ, एक हो सकता है सेंट्रिस्ट लेफ्ट मतलब सेंटर के थोड़ा सा पास में, तो अलग अलग आइडियोलॉजी से। जो आपकी सीपीआई मार्क्सिस्ट है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं आती है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में भाग लेती है, लोकतांत्रिक इलेक्शन में वो भाग लेती है, और इंडिया में आप तीन जगह उसका वर्चस्व भी देखते थे कुछ समय पहले तक तो एटलीस्ट, और दो जगह तो अभी भी एटलीस्ट। केरला में आप देखोगे सीपीआई मार्क्सिस्ट, अगर आप देखोगे बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, और त्रिपुरा में तो था ही। तो सीपीआई मार्क्सिस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में भाग लेती है, और ये नॉन वायलेंट तरीके से है ना, अधिकतर जो हमको चीज देखने को मिलता है, कम से कम वैचारिक रूप से तो ये नॉन वायलेंट है, या वैचारिक रूप से नॉन वायलेंट नहीं है तो ऐसा बोल सकते हो कि वैचारिक रूप से वायलेंट नहीं है, हिंसक नहीं है। जबकि आप माओइस्ट देखोगे, सीपीआई माओइस्ट देखोगे, या आप नक्सलाइट्स देखोगे, तो वहां पे डिबेट चेंज हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से त्रिपुरा इलेक्शंस के बाद ये बड़ा एक हॉट टॉपिक बन गया है, लेफ्ट और कांग्रेस का एलाय का। हर कोई विचारक अपने विचार इस पर प्रस्तुत कर रहा है कि जब बीजेपी का परचम ले रहा है तो क्या एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कांग्रेस और लेफ्ट के एलाय का। अलग अलग लेखकों ने इसके बारे में, अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग टिप्पणी दी है कि यह परफेक्ट समय है लेफ्ट और कांग्रेस का एलाय करने का। लेखक ऐसा बोलते हैं कि यहां पर थोड़ी सी मुश्किल की बात है, क्योंकि जितनी लेफ्ट की कांग्रेस को, जितनी लेफ्ट को कांग्रेस की जरूरत है वामपंथ को, उतनी ही कांग्रेस को भी वामपंथ की जरूरत है। लेखक एक शानदार एग्जाम्पल को कोट करते हुए कहते हैं 1976 का, जब इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी थी 34.4% जिसको वोट मिले थे, 1976 की बात कर रहा हूं मैं, जो इटली के कम्युनिस्ट पार्टी थी 1976 में, उस समय हुआ क्या था कि इनको मेजोरिटी प्राप्त ना होने के साथ इन्होंने क्रिश्चियन डेमोक्रेसी के साथ अपना गठबंधन करा। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस है, तो लेफ्ट का और सेंटर का एलआईएम को देखने को मिला। जैसे इटली कम्युनिस्ट पार्टी और जो डेमोक्रेटिक क्रिश्चियन डेमोक्रेसी में हमको उसी प्रकार का एलाय, जैसे आप बोल सकते हो इंडिया में सीपीआई मार्क्सिस्ट और कांग्रेस का एलाय। तो जब ये एलाय इटली में 1976 का हुआ था, लेखक इससे पास्ट को रिकॉल करते हुए और पास्ट को ध्यान में रखना है आपको, ये कहते हुए कोट करते हैं कि उस समय सीपीआई इटली की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोचा था कि मैं सरकार में आऊंगा गठबंधन के साथ भले, लेकिन आइडियोलॉजी कौन सी प्रमोट करूंगा, लेफ्टिस्ट ही प्रमोट करूंगा। हुआ ये कि दरअसल जब ये कोलिशन होता है तो उल्टा हो जाता है, जो लेफ्ट, जो सेंट्रिस्ट रहते हैं उनको लेफ्टिस्ट लेफ्ट में तो नहीं कर पाते,
बल्कि राइटिस्ट जो रहते हैं या सेंट्रिस्ट जो रहते हैं वो लेफ्ट को अपनी विचारधारा में ले आते हैं। तो जो चाइनीज जो इटली कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें जो राइटिस्ट या सेंट्रिस्ट के तत्व बाद में आ गए थे, तो फिर लेफ्ट का एग्जिस्टेंस ही थोड़ा सा कम हो गया था। अब ये राइट लेफ्ट सेंटर हम कोशिश करेंगे एक अलग से लेक्चर इसमें कंडक्ट कर पाए। आप लोग बताइएगा कि क्या इस लेक्चर की आपको जरूरत है। तो ये विचारधारा पूरी चल रही है, बहुत सारे इसमें गठबंधन की बात कर रहे हैं कांग्रेस और इनके बीच में, लेकिन यहां पे एक एलाय हो सकता है क्या, या आइडियोलॉजीज का यहां पे डिफरेंस होने को मिलता है, किस प्रकार भारत की राजनीति में आगे चीजें बढ़ेंगी। एक और कहते हैं कि एलाय इसलिए भी संभव है एक तरफ क्योंकि सेक्युलर जो लेफ्ट है और बीजेपी पे हमेशा से पिछले कुछ दिनों में आरोप लगाए, ऐसा लेखकों के हिसाब से अलग अलग लेखकों ने आरोप लगाया कि हिंदुत्व के उस पे वो, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलरिज्म भी प्रमोट करता है। तो कृपया करके अपन सब उसी कैरेक्टर में इस पूरी डिबेट को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आप पढ़ना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन जो चीज बतानी थी कि एलआई की बात चल रही है लेकिन कितना डिफिकल्ट है और लेफ्ट आइडियोलॉजी का एग्जिस्टेंस क्यों होना जरूरी है। अगले एडिटोरियल पे आते हैं, फार शॉर्ट ऑफ द पोटेंशियल, द इंडिया जापान इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स रिमेन अंडरवेलमिंग इन द रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक टाइज। ओवरवेलमिंग का अपोजिट है अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग मतलब जितना पोटेंशियल है उससे कम, द फार शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल मतलब जितना पोटेंशियल है उससे कम। लेखक इस पूरी डिबेट में क्या बताते हैं, लेखक इस पूरी डिबेट में यह बताने की कोशिश करते हैं, एक तरफ है विश्व की सबसे बड़ी तेजी से ग्रो कर रही अर्थव्यवस्था भारत, एक तरफ है विश्व की सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश, यंग पॉपुलेशन वाला देश, डेमोग्राफिकली रिच कंट्री भारत जिसके पास युवा जनसंख्या ज्यादा है, और दूसरी तरफ है डेमोग्राफी मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन, क्योंकि जापान में ग्रो हो रही है, जापान की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है। जापान की यदि आप एवरेजेस देखोगे तो लगभग 49-50 ईयर्स है, भारत की वहीं दूसरी ओर देखोगे तो लगभग 27-30 साल के बीच में है। तो यहां पे जो एवरेज एज है यंग पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, एक तरफ यहां पे इस प्रकार की डेमोग्राफी है, दूसरी तरफ जापान में इस प्रकार की डेमोग्राफी है। एक तरफ जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना डेवलपमेंट करना है, दूसरी ओर जापान के पास टेक्नोलॉजी है और बहुत सारा कैश है, बहुत सारा पैसा है, उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो ये एक म्यूचुअल बायलेटरल ट्रेड और बायलेटरल रिलेशन भारत और जापान के बीच में बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में 10-15 दिनों में मैं आपको लगातार बताते हुए आया हूं, इसलिए आपको एक भी एडिटोरियल नहीं छोड़ना है। पिछले कुछ 10-15 दिन में मैं आपको लगातार बताए हुए आया हूं कि चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है साउथ एशिया में भी, पूरे एशिया में भी, और शायद चाइना सी में तो है ही। चाइना अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की नीति के, क्षेत्रीय विस्तार करने की नीति के अंतर्गत अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिल्क रूट हो या वन बेल्ट वन रोड हो, जो कि अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको भारत ने दरकिनार कर दिया था अपने स्ट्रेटेजिक हितों को लेके, वो आप लेक्चर पूरा देख सकते हो, अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो क्या हुआ कि अब जब चाइना का प्रभुत्व इतना बढ़ रहा है तो यहां पे लेखक ये बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा रोल भारत और जापान आपस में प्ले कर सकते हैं म्यूचुअल पार्टनर्स बनके चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन लेखक ये बोलते हैं फार शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल है दोनों के बीच में ट्रेड के लेके उतना ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि चाइना और जापान और इंडिया और चाइना के बीच में आप देखोगे, चाइना के साथ यदि दोनों ही देशों के बायलेटरल ट्रेड को देखोगे तो चाइना के साथ दोनों का ट्रेड ज्यादा है। जितना जापान ने इन्वेस्टमेंट चाइना में किया वो भारत में किया वो बहुत कम है चाइना की अपेक्षा में, कुछ साल लेखक ने बताए हुए। तो इस प्रकार की बात की है और लेखक यहां पे थोड़ी पॉजिटिव चीजों को अंकित करती हूं कि चाइना और इंडिया का पूरा एक इतिहास रहा है क्लैश का, लेकिन इंडिया और जापान का क्लैश का इतिहास नहीं रहा है ना, कभी भी वो एनिमी नहीं रहे, एलाय रहे। तो इस प्रकार की बात करते हैं। और फिर दूसरे के पूरे अपने इस गैप में एक और चीज जो लेखक बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना जो है वो ये है, आप पढ़ सकते हो, द गैप कैन नॉट बी होली एक्सप्लेन्ड बाय द यूजुअल सस्पेक्ट दैट प्लेग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, सच एडिक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स टैक्स रेगुलेशन एंड लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स, ऑल्दो दीस रिमेन सब्सटेंशियल चैलेंजेस। लेखक बोलते कि इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे पहली बात तो उसको अपना
रिटर्न बढ़िया चाहिए, जो निवेश उसने किया उस पर उसको रिटर्न बढ़िया चाहिए। दूसरी, कितना इजी है उस कंट्री में बिजनेस चलाना। तो जब तक ये प्रॉब्लम, जो टैक्स कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी भूमि अधिग्रहण से, जब तक इनको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमको इसी चीज के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, हर गवर्नमेंट को इज इन डूइंग बिजनेस हो पाए हर क्षेत्र में। अब यहां पे थोड़ी सी एक डिफरेंट एंगल, जापान जो मतलब जापान की जो इंडस्ट्रीज के जो प्रोफेशनल्स रहे यहाँ पे, तो वो बताते हैं कि जुगाड़ जो भारत में रहती है उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज या आलोचना करते हैं। इस प्रकार की चीजें लिखी गई है। ओवरऑल इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में यही समझाया गया है कि किस प्रकार भारत और जापान बहुत अहम रोल भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन फार शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल। तो आने वाले समय में देखते हैं किस प्रकार से दोनों के बायलेटरल रिलेशन बढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजीज वर्स्ट गैम्बलर स्टीवन हॉकिंग्स, इनको आप एक अच्छा ऑथर कह सकते हो, एक महान वैज्ञानिक कह सकते हो, एक फिजिसिस्ट कह सकते हो, एक इन्फ्लुएंशियल बोल सकते हो, एक मोटिवेशनर बोल सकते हो। इनको आप अलग अलग पद से, अलग अलग नाम से, अलग अलग एडजेक्टिव से आप इनको नवाज सकते हो। 1942 में इनका जन्म हुआ। 1942 के बाद 1963, जब ये 21 साल के थे, इनके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है जिनमें इनको मोटर न्यूरॉन डिसीज बताई जाती है। उनके बाद ये इनका पूरा शरीर जो है वो लगभग 2 साल में, और डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पास जीने के लिए केवल 2 साल है, पैरालिसिस हो जाता है बाद में, बोल भी नहीं पाते, मशीन के द्वारा ये बोलते हैं, लेक्चर लेते हैं। काफी सारी उपलब्धियां रही इनकी मानव विश्व में। इनकी जो पुस्तक थी वो बड़ी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रही, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसमें इन्होंने ये कोशिश की जो कॉस्मोलॉजी है इसको आम जनता के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार डिलीवर करा जाए सुगम भाषा में, तो बेस्ट सेलिंग रही और इनका बड़ा योगदान रहा। इनके बारे में आप जरूर पढ़ना। द मार्च ऑन मुंबई, व्हाट द फार्मर्स मार्च वाज ऑल अबाउट, आप सभी को पता है, इसके बारे में भरपूर चर्चा कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, किस प्रकार लोन वेगिंग स्कीम जो सरकार की रहती है। एक बड़ा प्रश्न एडिटोरियल में जो आपके लेखक हैं वो उठा रहे हैं, बड़ा गंभीर प्रश्न। यदि आप लास्ट के एक सेंटेंस को देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा। समझ लो, विथ असेंबली इलेक्शन नॉट फार अवे, भारतीय जनता लेड गवर्नमेंट स्कीम दैट रूरल डिस्ट्रिक्ट नॉट डज नॉट लीड टू द वोट एंगर। सबसे बड़ा प्रश्न एडिटोरियल उठाता है वो ये है कि इकोनॉमिक, अगर एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस हुआ, कृषि में यदि कोई भी डिस्ट्रेस होता है, अब तो जब इलेक्शन आ रहा है तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसे रिस्क ले ही नहीं सकती है, तो लोन वेव आउट करो, क्या यही एक सॉल्यूशन है? पिछले कुछ दिनों में तो इन्हें यही बताया आपको, 70% जो भारत के किसान हैं, टोटल किसानों में से जो भारत के किसान है, उनको इस स्कीम से कुछ ही को लाभ हो रहा है, पूरों को लाभ हो ही नहीं रहा। तो किस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं और किस प्रकार हमको कृषि में प्रोडक्टिविटी स्थापित करनी है, ये आने वाले समय में बड़ा चैलेंज रहेगा। तो अगले एडिटोरियल की तरफ आते हैं, एक्सप्लेनिंग 1971, मोहम्मद अयूब ने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। पूरी समरी आपको समझाने से पहले, सबसे पहले 3-4 टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान क्या है, वेस्ट पाकिस्तान क्या है, ईस्ट बंगाल क्या था और वेस्ट बंगाल क्या था, स्क्रीन पे देख लो, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूं, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। गेम ये था भारत के राष्ट्रवादी आंदोलनों को स्थगित कर देने का, भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को और कांग्रेस को एक शांतिप्रिय मृत्यु देने का। कर्जन जब भारत में आते हैं तब अपने लक्ष्यों में से एक लक्ष्य बताते हैं कि मेरा लक्ष्य भारत में जाके ये है कि कांग्रेस की शांतिप्रिय मृत्यु हो। 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन इसलिए करते हैं ताकि भारत में जो पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, वो ठप्प बैठ जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बंगाल विभाजन के रिस्पॉन्स में आपको स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन देखने को मिलते हैं। जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, यह केवल रिलीजियस लाइंस पे किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आपका मुस्लिम बहुसंख्यक था, वेस्ट पाकिस्तान सॉरी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान नहीं बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी,
वेस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। तो क्या हुआ, इन दोनों को रिलीजियस आधार पे बांट दिया। अब हालांकि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन हो गया था 1911 में, लेकिन एक बार यदि विभाजन कर दिया तो फिर तो वो दिक्कत आती है। अब क्या हुआ कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिला और भारत और पाकिस्तान का जब सेपरेशन हुआ 1947 में, तब क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे वो पाकिस्तान है ना, तो उसी तरह जो आपका पहले ईस्ट बंगाल था, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, उसमें बहुसंख्यक पॉपुलेशन होने के कारण मुस्लिम 1947 से लेकर 1970 तक वो क्या रहा, 71 तक वो क्या रहा, ईस्ट पाकिस्तान। मतलब 1905 में जो ईस्ट बांग्लादेश था मुस्लिम बहुसंख्यक पॉपुलेशन होने के कारण उसे 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, और 1947 से 1971 तक वो ईस्ट पाकिस्तान ही रहा। अब आप देख रहे हो कि ये कोई भी ज्योग्राफी म्यूचुअल शेयर नहीं कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, बीच में है भारत। हुआ ये कि इन दोनों की पॉलिटिक्स अलग प्रकार से चलती थी। 1971 तक इनकी पॉलिटिक्स बड़ी अलग प्रकार की चली। 1965 में जब वेस्ट पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है, तो उसमें उतना बड़ा रोल ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश प्ले नहीं करता है। अब होता क्या है कि भारत को ये स्ट्रेटेजिक लेखक ऐसा बोलते हैं, भारत की जो सामरिक महत्व थे उसके चलते भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया। क्यों? क्योंकि एक तरफ है वेस्ट, एक तरफ है ईस्ट, बीच में भारत है। मान लो दोनों में ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों मिलके दोनों फ्रंट से वॉर कर देते और तीसरे फ्रंट पे चाइना बैठा है, तो भारत ऐसी रिस्क कैसे ले सकता था। तो स्ट्रेटेजिक हितों के लिए भारत ने इसमें जंप लगा के बांग्लादेश को लिबरेट कराया। हुआ यह था कि बांग्लादेश के जो 1 करोड़ लोग थे वो वेस्ट बंगाल में फ्लड होने लगे, है ना। उससे क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। बांग्लादेश का यदि आप प्रेजेंट डे आप पॉपुलेशन जो आप देखने की कोशिश करोगे, तो उनका जो जनसंख्या घनत्व है टोटल वो लगभग 1090 है, ठीक है। तो जो जनसंख्या और भारत का दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व जो है वो 390 के आसपास है। हो ये रहा है कि बहुत कम क्षेत्र में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। बांग्लादेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है। तो वैसे ही वहां पे जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन की दिक्कत है, बहुत कम जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं ऑन एवरेज 1090, तो वो पूरे फ्लड हो गए लोग। वहां से बड़ा वायलेंट एग्रेशन आ रहा था वेस्ट पाकिस्तान से। जनरल टिक्का खान ने तो यह बोल दिया था सभी लोगों को मार दो जितने भी ईस्ट पाकिस्तान में है, हम एक नया वहां पे पूरा ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे लोगों को, सभी लोगों को मार दो, पूरी भूमि जला दो। जनरल टिक्का खान ऐसा ऑर्डर देते हैं। जब यहां पे वायलेंस चला वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा, तो पूरे के पूरे लोग फ्लड होके आ गए इंडिया में। तो भारत को इसमें ना चाहते हुए भी जंप लगाना पड़ा, नेचुरल सी बात है। आप किस प्रकार डील करोगे जो सोशली और इकोनॉमिकली भी, है ना। तो यहां पे लेखक ये बोल रहे हैं कि भारत ने इसमें जंप लगाया कि एक स्ट्रेटेजिक महत्व बना हुआ था। अब कुछ हद तक कहना वो सही भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने अगर हम लेवल देखें अंडरस्टैंडिंग के, तो 1971 में इंडिया टू जंप, इंडिया टू इंटरवीन बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, है ना। तो ये आपको समझ रहा है, पूरा पढ़ लेना आपको सब समझ में जाएगा। तो 5 महत्वपूर्ण एडिटोरियल को आपने पढ़ा है आज स्टीफन हॉकिंस से। सीखते रहिए और न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए। That's it for today. All the best from Team Take Off India Network Coaching. Jai Hind.